कुश्ती की सही उम्र क्या है? काफी कमेंट आते हैं और काफी मैसेज भी आते हैं कि पहलवानी की सही उम्र क्या है, हम इस उम्र में पहलवानी स्टार्ट करें, किस उम्र में करें? देखिए, पहलवानी की सही उम्र है आप 11-12 साल में शुरू करो। बच्चा जब 11-12 साल तक का होता है ना, यूं तो जैसे 9 साल के बच्चों को कुश्ती में डाल दिया, वो बड़े मुलायम होते हैं, फिर उन बच्चों की ग्रोथ रुक देते हैं। 11-12 साल तक उसको ये देखो, कुश्ती के काबिल है ये, दौड़ के काबिल है, इसकी हाइट कहाँ जा रही है, इसका इंटरेस्ट क्या है। आप बच्चे के सामने चार ऑप्शन धर दो गेम के, भैया वॉलीबॉल धर दिया, फुटबॉल धर दिया, कबड्डी का ग्राउंड बना दिया, कुश्ती का बना दिया, क्यों, उसका इंटरेस्ट किधर जा रहा है, आप उसकी हॉबी भी देखो। दूसरी चीज, कुश्ती में 11-12 साल का बच्चा ना, पहले ये भी देखो कि इसके पेरेंट्स क्या इस गेम से जुड़े हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। मतलब पेरेंट्स मान लो कुश्ती से जुड़े हैं तो उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हो जाती है। तो 11-12 साल का बच्चा, उसको एक साल मान लो आप दौड़ कर रहा है, पीटी कर रहा है, और ऐसे बच्चों को 11-12 साल की उम्र में हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज जिमनास्टिक की करवानी चाहिए। मतलब उनको क्या कि फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज हम जिमनास्टिक की कराएंगे तो उन्हें लचक रहेगी, और नहीं क्या कि वो क्या कि थोड़े दिन में मान लो हमने 10 साल में डंड बैठक मरवाने शुरू कर दिए, वो थोड़ा उनकी ग्रोथ भी ब्लॉक होगी और वो अकड़ के और वहीं टूट जाएंगे। जैसे अगर किसी की उम्र बढ़ गई है 18-19-20 साल है, तो अगर क्या उसका कोई स्कोप है रेसलिंग में? देखिए, स्कोप एक ही चीज का है। शेक्सपियर ने एक चीज कही थी, मौन सिद्धांतों को बहुत फॉलो करता हूँ, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आदमी में करने की तमन्ना है, हिम्मत वाला आदमी कभी हार ही नहीं सकता। मैं नो कहता हूँ, जैसे मास्टर चंद्रकिराम जी के बारे में कहते हैं, 17-18 साल की उम्र में पहलवानी शुरू करी, वो अपने जमाने के बेजोड़ पहलवान है, वो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, आज पद्मश्री है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपके अंदर तमन्ना है और कि मुझे तो कुछ करना है, तो आप कुछ कर सकते हो। और आप चाहे बेशक होना चाहे कितनी उम्र से लगा दो, उनके अंदर कुछ करने की तमन्ना नहीं है, तो आप घड़े करोगे बुस्ट करते करते होंगे, रात गुस्से मार के घड़े करो तो नेशनल का ब्रॉन्ज मेडल बना दोगे। लेकिन जो चीज की ऊंचाई पर वो जाना चाहता है ना, वो तो खुद उसका इंटरेस्ट ही जाएगा। दूसरा एम नहीं, उसका एक एम, उसका फोकस हो जाए। आज ये ओलंपिक में मेडल आ रहे ना, ये ज्यादातर इन बच्चों के एम से आ रहे हैं। अगर इनके दिमाग में है, ये जैसे हमें बाहर के इतने टूर्नामेंट्स मिले, एक्सपोजर टूर्नामेंट्स मिले, ये लड़ते लड़ते इनकी साइकोलॉजी से ये चीज दुरुस्त होगी। नहीं पहले हमारे ओलंपिक में जाते थे यार, घूम के आएंगे, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तो हो गए, मेडल का तो कोई मतलब नहीं, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, कोई परवाह नहीं थी। अब ये उनसे लड़ते लड़ते भाई हम ओलंपियन है यार, ये फलाने के मेडलिस्ट हैं, इनसे ट्रेनिंग आपस में हुई यार, इनसे तो हम 19-20 इनको हम हरा भी सकते हैं, और वो भी तमन्ना है। फिर गवर्नमेंट ने भी, प्राइवेट जितने भी घराने हैं उन्होंने भी, कॉर्पोरेट लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया, भाई तुम ओलंपिक में मेडल लाओगे मैं 1 करोड़ दूंगा, मैं 2 दूंगा, मैं 4 दूंगा। तो इन्होंने सोचा साला इससे बढ़िया मौका कहाँ आएगा। तो इनकी उसे अगर ये कॉर्पोरेट घराने गवर्नमेंट अगर ये करोड़ों रुपए की बरसात नहीं करती तो इनके मेडल फिर भी नहीं आते। तो कुछ सब आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ओलंपिक से भारत को अधिक से मेडल मिल पाएंगे, जो आज का शेड्यूल है पहलवानी का? देखिए, आज का शेड्यूल क्या था कि पहले हमारे बच्चे जाते थे, हम भी जाते थे बाहर, तो हम एक ही चीज देखते थे, यार हमें और कोई सामान नहीं खरीदना। उस टाइम में कैसेट मिलती थी, कैसेट, और वो मैं VCR में चलती थी, भाई कैसेट ले चलेंगे ये कुश्ती की और वहाँ जाके देखें बाहर वाले कैसे लड़ते हैं, बाहर वाले कैसे लड़ते हैं। और वो कैसेट, फिर वो आ गई DVD आ गई, वो DVD के लिए वो लड़के की कैसेट, वो DVD देखेंगे। अब सारी जो DVD सारी कैसेट फेल हो गई। अब आप जिस भी खिलाड़ी की, वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी की कुश्ती देखना चाहो, वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, मतलब आज आप हर चीज को उसमें जज कर सकते हैं, वो चीज आप उसमें देख सकते हैं। और उसका बेनिफिट ये है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें कि इन चीजों के प्रति जो आकर्षित होते थे ना, जो आपके इस ऐप के माध्यम से कुश्ती के दीवाने जितने आपके करोड़ों फॉलोअर हैं और बढ़ेंगे, लोग सोचें यार मैं कुश्ती देखूं, मैं अच्छी चीज देखूं, मैं कोई अच्छी चीज सुनूं, वो पता नहीं किसके काम फिट हो जाए। तो ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट है और वही चीज को आगे बढ़ाएगा।